इस लोकेशन से नेक्स्ट कोई लोकेशन नहीं है दुनिया के साथ तजुबे से ऐसे आगे फेल नहीं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग गाइस। तो फिलहाल अभी सोच के 3 का टाइम, तो गाइस फिलहाल आज हम जाना है जम्मू, जम्मू से जा रहे हैं, वो बताएंगे आपको बाद में। तो फिलहाल फटाफट परे करते हैं सहरी और उसके बनने के यहाँ से फोन मिल जाएगा ब्याह के आपको रजौरी और जाएंगे वो भी अंजू मई के साथ, बाकी बातें करेंगे बाद में। फिलहाल पहले होते हैं करते हैं सहरी, फिर होते हैं रेडी। गाइस फिलहाल पहुँचे सुंदर बनी यहाँ की नमाज फजर अदा, तो फिलहाल टाइम हो चुका 5:30 का, नमाज अदा कर लिए मेरे साथ। फिलहाल अंजू भाई कर रहे हैं नमाज अदा, मतलब एक बंदे और भी हैं, तो फिर बस ब्लॉग शूट नहीं किया है, बाकी ब्लॉग करेंगे वापसी में या फिर जाते वक्त। तो फिर निकलते हैं ऐसे फटाफट, तो करते हैं दुआ वा और निकलते हैं ऐसे फटाफट। सो फाइनली गाइस जी हम पहुँच चुके हैं जिस दुबारी एयरपोर्ट, जिस चीज़ के लिए हम आए थे वहाँ पर हम टाइम पर पहुँच गए हैं। तो फिलहाल टाइम हो चुका 8:30 का, तो हमारे बंदे जा चुके हैं, तो फिर हम ऐसे निकलते हैं। गाड़ी हमारी की हाथ उड़ चुकी है बुरी, तो मिलाते हैं आपको अंजुम भाई से। अंजुम क्या हाल चाल आपका? किंग सुबह भाई अंधेरा था, हमने मिले आपसे नहीं, आप रास्ते में हम गपशे मारते जाएंगे, आते वक्त हम थोड़े मसरूफ थे, निकले यहाँ से वापस हम एयरपोर्ट से। पहले हम सुबह लगा के थे जैकेट क्योंकि जरूरी हुई थी ठंड, बट जम्मू में है गर्मी, तो आप सोच रहे हैं कि जैकेट उतारेंगे, बट यहाँ तो उतारे नहीं सोते। चलते अंदर, साथ में एहसान से भी मुलाकात कर लेते हैं और ट्रैफिक के बाद निकलते हैं अंदर वापस, क्योंकि हम सिर्फ वन डे प्रोग्राम हमारा और वापस ही निकलेंगे। सो फाइनली गाइस पहुंच गए अंदर हम एहसान के रूम में, तो फिलहाल हो चुके हैं फ्रेश, नहा धो के एकदम चकाचक हो चुके हैं, तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं वापस, अब निकलेंगे आराम आराम से। तो पहुंचेंगे हम कहीं 2:30 बजे पहुँचेंगे घर, तो नमाज अदा कर लेंगे और फिर यहाँ गर्मी से बचेंगे। तो फाइनली जी यहाँ से निकल रहे वापस, ये रहे हमारे एहसान में क्या हाल चाल है, तो काफ़ी टाइम यहाँ पर रेस्ट किया हमने, गपशप मारी है, तो फिलहाल टाइम हो चुका 11 का, तो निकलते हैं यहाँ से। इस हम वेट नहीं कर सकते ना लेट कर सकते हैं, क्योंकि आगे गर्मी होगी, रोड भी ख़राब है। ठीक है फिर, ओके अल्लाह हाफिज़। गाइस हम आ चुके हैं गाड़ी में, तो यहाँ से हमारे हैवी ड्राइवर करेंगे ड्राइव, तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। हम भी हैं फिलहाल बेली चराना, चलते हैं हमारे दोस्त बंधु यहाँ पे हैं, लेकिन उनसे मिलना मिलेंगे आज, हम थोड़ी जल्दी में हैं। तो साकी भाई और आती भाई नेक्स्ट बार मिलेंगे, फिर हम जल्दी में हैं, तो फिर तो नाराज़ नहीं होना, नेक्स्ट हम जल्दी आएँगे और मिलेंगे आपसे। तो फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन में जाके। तो जी फिलहाल हम चढ़ चुके हैं फ्लाई ओवर के ऊपर। अंजू भाई आपका पहला एक्सपीरियंस है फ्लाई ओवर का है? हाँ। लेकिन फ्लाई ओवर का मज़ा ना कसम से, और नेक्स्ट लेवल मज़ा है, क्योंकि टाइम बचेगा, बाईपास बंदा निकला सीधे आगे। गाइस हम पहुंच चुके हैं जी बहुत ही फेमस जगह, यहाँ हर वो पहुँचते हैं बताते हैं आपको ये जगह भाई, आशिकों का अड्डा है ये। तो फिलहाल जब रुके हैं पहली ब्रेक के लिए, क्योंकि सुबह से एक हमारी गाड़ी थी कंटिन्यूसली चल रही है, नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है, तो फिर लेते हैं सब ब्रेक भी और थोड़ा सा कर लेते हैं फ़ोटोशूट भी। फोटोशूट भी ज़रूरी होता है इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम फॉलो ज़रूर करते हैं। तो फिलहाल जी यहाँ पर आए थे हम देखने के लिए, कुछ मिला नहीं है, बट यहाँ से रिस्की है तो यहाँ से जा रहे वापस, बट आशिकों का इंतखा देखो, यहाँ नीचे यहाँ तक नाम लिखा हुआ है और ऊपर चढ़ के, बट यहाँ से लिटरली इतनी ख़तरनाक जगह है यहाँ से कि ज़रा से अगर पाँव फिसला तो समझ लो आप इस दुनिया से हट गए, फिर ख़तम जगह। तो फिलहाल यहाँ से निकलते आगे, लोकेशन काफ़ी मस्त है, यहाँ से व्यू पॉइंट बढ़िया है, लेकिन रिस्की बहुत है ये। तो फाइनली जी निकलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट मंजिल के लिए, फिर गर्मी भी नेक्स्ट लेवल है, तो ज़्यादा दिन टाइम वेस्ट नहीं करते, धूप भी आ रही है इस वक्त, अंदर जो हमारी गाड़ी गर्म हुई है उसका मज़ा ही लगे कुछ। तो चले निकलते हैं यहाँ से आगे। तो फिलहाल ये हम आ गए एक मासी लोकेशन पे, जहाँ पहले हम रुकते थे जंगल में, आगे जंगल में हम, यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है, सामने रियासी का व्यू, ये रोड का व्यू, क्या ख़तरनाक जगह है, शेर भी सोता, शेर भी, ये रियासी के बड़े बड़े पहाड़, ये वादियाँ, ये बड़े बड़े जंगल, फिर हम चढ़ते हैं ऊपर। तो फिलहाल जी हम आ चुके हैं बहुत ही ख़तरनाक, ये तो मुझे लगता है माउंट एवरेस्ट है,
लेकिन रिस्की बहुत आई है, बिल्कुल पतला रास्ता है। चलो हम वहाँ से यहाँ जो मैं खड़े इसके पीछे वहाँ से आए, और वहाँ से नहीं बल्कि रोड वहाँ से है, तो वहाँ से आए फिलहाल आगे जा रहे हैं लोकेशन पे। यहाँ से व्यू इंजॉय करने के लिए नई जगह एक्सप्लोर किया और काफ़ी ख़तरनाक गई। पहली बार आया था यहाँ, पीछे रुका था तो अब मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। ओ माय गॉड, कैमरे में तो दिख नहीं रहा लेकिन सच में अगर नीचे नज़र डालोगे आप तो भैया क्या ही बताएं आपको, क्या हालत होगी आपकी। फाइनली पहुँच गए हम टॉप पे, और ये जो है ना ये देखो सबसे लास्ट एंड पॉइंट है, यहाँ से आगे कोई पॉइंट नहीं भैया। यहाँ से आगे खड़े होना, आगे पीछे देखोगे तो समझ लो कि आपकी टैंड फिस हो जाएगी, बट यहाँ तक आप सिर्फ पीछे देखोगे तो ठीक है बट आगे नहीं। तो फिर देख पा रहे हो आप यहाँ से जहाँ जो मैं बैठे हुए पीछे पूरी खाई है ये खड़ी, और पीछे का भी देखो कितना ख़तरनाक व्यू है। फोटोग्राफी के लिए काफ़ी बढ़िया जगह ये, इसके आगे भी जगह है देख पा रहे हो, बट वो तो ड्रोन आ जाएगी, बट आगे जाने का रिस्क मत लेना। यहाँ तक आ सकते हो, यहाँ सोफ़ा लगा हुआ है जिसे बंजू में बैठे हैं, बैठ के आराम से फोटोग्राफी कर सकते हो, और लेकिन आने जाने का जो रिस्क है वो आपका भी हमारा। आप आओ फोटोग्राफी करो लेकिन आप इसका भैया हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, बोलो कि हम मैंने बोल दिया आपको आप फोटो खींचेंगे नीचे को गिर के ख़त्म। ओके बाय, टाटा हो जाएगा। इस लोकेशन से नेक्स्ट कोई लोकेशन नहीं है दुनिया के सात अजूबे से ऐसे आगे फेल नहीं, बट मैं कहता हूँ बस ये भी एक आठवां अजूबा ही है, काफ़ी ख़तरनाक लोकेशन है यहाँ से। बोला यहाँ से पीछे का व्यू आ रहा है ना, कितना खतरनाक व्यू आ रहा है, पूरा रियासी का व्यू आ रहा है दिखा रहे हो, रियासी के पहाड़ पूरा रियासी है, ये रियासी 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 कटरा उधर से पीछे रियासी के पहाड़, तो इस तरह ये बामला ये पहाड़ ये मोड़ नीचे बहुत बड़ी खाई, खाई का ध्यान रखना। तो निकलते हैं यहाँ से वापस, फोटोग्राफी हमने कर लिया तो इंस्टाग्राम ज़रूर चेक करें, जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम फॉलो ज़रूर कर दे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। भैया क्या कर रहा हूँ, ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, तो फिलहाल निकलना मुश्किल होता है यहाँ से, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से वापस क्योंकि यहाँ से बहुत रिस्की है, लिटरली कोई पाँव स्लिप होना तो फिर सीधा नीचे जाना है। इस तरफ कम खाई है बट उस तरफ बहुत बड़ी खाई है, बट फोटोग्राफी के लिए नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल। तो फाइनली जी पहुँच गए वापस गाड़ी के पास, तो निकलते हैं यहाँ से वापस, काफ़ी देर हो चुके हैं तो चलते हैं, निकलते हैं फटाफट से, बुला टाइम एक हो चुका है, आगे फिर लेट होगा, फिर भूख लगेगी प्यास लगेगी, फिर रोज़ा होगा तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं। आज अफ्तारी करेंगे, आज अफ्तारी करेंगे इधर ही पामले में, तो अफ्तारी करेंगे पामले में, उसके बाद सिगरेट। फिर निकलते हैं ऐसे फटाफट। सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं वापस सुंदरबनी, सुबह यहाँ पहुँचे थे हम 5:30 बट अभी यहाँ पहुँचे हम पूरे 1:32 पहुँचे हैं वापसी में। तो फिलहाल सुबह तो मौसम अच्छा था बट इसमें जो गर्मी है ना वो ख़तरनाक है, नेक्स्ट लेवल गर्मी हो रही है, क्या बताऊँ भैया आँखों से गर्मी बाहर आ रही है, चल अंदर ब्लोर लगा हुआ अंदर, तो कहीं रुकेंगे कि हम ठंडी ठंडी हवा में, हम सोच रहे हैं कहीं ठंडा ठंडा पानी मिले हम तो स्विमिंग पूल मिले हम नहा के जाएँ मस्त मस्त, लेकिन इतनी गर्मी हो गई, चल चलते हैं धीरे धीरे। सो फाइनली गाइज रुक चुके अपने तीसरे स्टॉप के लिए, और ये स्टॉप हमारा है नमाज के लिए, तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे हम तो यहाँ नमाज वा करेंगे, तो फिलहाल ये है लमेडी, तो फिलहाल गाड़ी को देते हैं 5-10 मिनट रेस्ट, उसके बाद चलते हैं नमाज अदा करते हैं, हमारी पूरी हालत हो चुकी है हम भी रेस्ट कर लेंगे और नमाज अदा कर लेंगे करने के लिए। इस फिलहाल नमाज अदा कर लिया तो काफ़ी सुकून मिला है, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो चुके हैं और रेस्ट भी हो चुका है और सुकून मिला है, तो फिलहाल निकलते हैं इसे वापस और फिर चलते हैं दरगाह पर, साईं मस्तान अली शाह की दरगाह पर चलते हैं, वहाँ करते हैं दुआ और इसको निकलते हैं। तो ये दरगाह जी पीर मस्तान अली शाह की, तो फिर करते हैं फातिहानी और निकलते हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गाइस फिलहाल कर ली फातिहानी और यहाँ से दरगाह पे और निकलते हैं यहाँ से वापस और चलते हैं, बाकी बातें करें घर में जाके क्यों आए थे, किस लिए आए थे, किस काम से आए थे और क्यों जल्द वापस निकल रहे हैं घर लेके बताएंगे, तो फिर निकलते हैं ऐसे फटाफट। अभी 2:37, तो फिलहाल निकलते हैं लमेडी से, गर्मी नेक्स्ट लेवल है, प्यास लग चुकी है भूख लग चुकी है, सुबह ने ब्रेकफास्ट में 3 बजे सैरी की आज एडवांस दिखा हमें, निकलते हैं फटाफट, निकलना पड़ेगा भैया 3 बज गए हैं
वरना 5 बजेंगे इधर। चलिए शुरू करते हैं सफर। तो फाइनली गाइस फाइज पहुंच चुके हैं वापस रजौरी शहर में। सफ़र हमारा काफ़ी लंबा था, कल आया बड़े आराम से क्योंकि हमें पता है कि रोज़ा भी है तो आराम से जाएंगे, आराम से जाके सारी टाइम पहुंचेंगे तो दिक्कत वाला मसला मतलब बात नहीं है। फिर चलते हैं वापस अंदर जाएंगे घर, तो अंदर के साथ दावत दार मुझे आज अफ्तारी की, फिर हम जाएँगे अपने घर रेस्ट फ्रेश करवाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह शाम को मिलेंगे जो भाई से इंशाल्लाह। फिर बैटरी मेरी भी डेड है क्योंकि लंबा सफ़र नहीं है बट रोड गंदी है तो काफ़ी ज़्यादा तंग पड़ता है, बाकी तो सफ़र तो मस्त है, सिर्फ गंदा था रोड गंदा। तो फिर चलो चलते ही निकलते हैं बैग शीट। फाइनली गाइस उतर चुके हैं गाड़ी से, आ चुके हैं अंदर, सामान अपने ले लिया हमने, सुबह जाके लगा के गए थे तो जैकेट मेरा हाथ में चुका है क्यों गर्मी है भैया, जम्मू तो बहुत नेक्स्ट लेवल गर्मी है बट यहाँ सबसे कम है। चलते हैं अंदर और निकालते हैं अपनी गाड़ी और निकलते हैं घर के लिए। सो फाइनली गाइस हमारी बाइक आज आसमान से चक्कर एक धो दी है, बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा गंदी थी और माशाल्लाह क्या बात है जी, एकदम चकाचक ब्रांड न्यू गाड़ी हुई है, देख पा रहे हो खतरनाक। सो फाइनली गाइस आप पहुँच के वापस घर, एक्चुअली जाना था जम्मू के घर बट जैसे जम्मू से पहुँचे वापस तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और हालत बहुत बुरी थी क्योंकि रात को नहीं कि रात को नींद सोया भी तरीके से और नींद पूरी नहीं हुई थी। तो फिर आज के वापस घर और जम्मू किस लिए थे एक्चुअली, कुछ काम था, मुझे भी डर लगता सब कुछ अकाउंट था और उसके बाद अंजू भाई के जो पिताजी हैं उनको ड्रॉप करना था, उनके लिए एयरपोर्ट एक्चुअली फ्लाइट है जल्दी तो इसलिए उनको ड्रॉप करने गए थे, तो ये काम थे फिलहाल। तो जाना था अंजू भाई के घर रफ्तारी के लिए बट ये सीन समा कि तबीयत भी ख़राब थी और थक भी बहुत ज़्यादा चुका था तो फिर ना कहीं कुछ जा सका ना कुछ, फिर आज के वापस घर और करते हैं फिलहाल रेस्ट और आज का व्लॉग यहीं करते हैं। आई होप पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं, नहीं तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं जिसके नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग ऑलवेज। कुछ नया कुछ करने वाले हैं बट बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ही प्लान चल रहा है फिलहाल, अभी घर में कुछ और भी तैयारी चल रही है बट कुछ ना कुछ नया आने वाला है और मज़ा आएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।